नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल कहां कहां एक्शन होगा बाजार में, इसी के बारे में। सैटरडे को एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन देखा आप सभी ने, डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग देखी और काफ़ी स्टॉक्स में तेजी भी आई, बाजार काफ़ी अच्छा था। डाउ जोन्स 40,000 के पार क्लोजिंग देने में सफल रहा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो संकेत तो ओवरऑल नेट नेट पॉजिटिव ही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। हालांकि सैटरडे का FIDIs का डेटा ना के बराबर था, वो 150 करोड़ का काम किया है तो उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है। अभी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो फ्राइडे को FIIs ने 1616 करोड़ की बाइंग करी, DIIs ने 1556 करोड़ की बाइंग करी कैश मार्केट में। फ्यूचर्स में FIIs ने 312 करोड़ की हालांकि अभी भी सेलिंग करी थी फ्राइडे की बात करें तो, और ऑप्शंस में लगभग 15,000 करोड़ की सेलिंग थी। और बाजार जिस हिसाब से डेज हाई पे बंद हुआ तो लगता है पुट ही बेचा होगा उन्होंने। बात करें अगर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो जो जितना छोटा है उतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लाइक स्मॉल कैप सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मिड कैप उससे कम थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, निफ्टी बैंक न्यूट्रल चल रहा है। निफ्टी ने भी आप ऑलमोस्ट आपके लिए लाइफाई लगाने की तैयारी कर ली है। सेंसेक्स में भी 74,000 के पार की क्लोजिंग आई है। आज बाजार के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हालांकि बाजार बंद है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है पांचवें चरण की वोटिंग, और ये वोटिंग जो आपकी होने वाली है महाराष्ट्र में, इसी के चलते आज बाजार भी बंद है क्योंकि महाराष्ट्र से ही कामकाज होता है। अभी देखा जाए कि महाराष्ट्र में आज जो वोटिंग है इसका वोटिंग परसेंटेज कितना निकल के आता है, ये बाजार बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है इस बार, क्योंकि बाजार ने रिलेशन बना दिया है जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा बीजेपी को सीट, और जितना कम वोटिंग परसेंटेज उतनी कम बीजेपी को सीट। ये बाजार ने इस समय कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अपना, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं बट बाजार मान रहा है तो ठीक है, हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर बात करें शुरुआती चार चरणों की तो तीन चरणों में वोटिंग परसेंटेज कमाई, बाजार का क्या हाल था आपने देखा। चौथे चरण में जैसे ही वोटिंग परसेंटेज सुधरने का आंकड़ा आया बाजार शूट कर गया 21,800 के लोगों के सामने, हमने 22,500 की क्लोजिंग दी है सेम वीक में। तो मेरा मानना है कि आज की जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो ये हम क्लोजली वॉच करेंगे कितना डेटा आता है, जैसे आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आगे बढ़े अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में तो वहाँ पर भरपूर एक्शन होगा। सबसे पहले तो आपके साथ बात करना चाहूँगा रिजल्ट्स, डिविडेंड, बोनस, इन सारे स्टॉक्स के बारे में। तो आज मंडे है, देखो तो मंडे तो एक वर्किंग डे होता है तो रिजल्ट्स तो भरपूर हैं, सैटरडे संडे थोड़ी कम कंपनियां होती है, लेकिन आज मंडे है बाजार बंद है वो एक अलग बात है। अब बात करें रिजल्ट्स की तो ONGC के नंबर आने वाले हैं आज, IRFC के नंबर आएंगे, BEL के नंबर आएंगे, ऑयल इंडिया, सेल, दीपक नाइट्राइट, वायरपूल इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, रेड टेप, पावर मैक प्रोजेक्ट, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कैंप्लास सनमार, इंडिया सीमेंट, KRBL, नेस्को, रोलेक्स रिंग्स, VRL लॉजिस्टिक, थंगामाइल ज्वेलर, अपोलो माइक्रोसिस्टम, होंडा इंडिया, PTC इंडिया, पीएरएल ग्लोबल इंडस्ट्री, अपोलो पाइप्स, एक्सिस केड्स, कैरेसिल, डीडे प्लास्टिक्स, अपडेटर सर्विसेज, प्रताप स्नैक्स, SGS इंटरप्राइजेस, कैमलिन फाइन, शंकरा बिल्टकन, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए रिजल्ट्स पेश करेंगे। जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। अब आते हैं कुछ आपके लिए जो कॉरपोरेट एक्शन होने वाले हैं इस हफ्ते। तो 21 मई यानी कि कल आपके लिए न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बोनस ट्रेड करेगा 2:1 में। 22 मई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹13.70 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ट्रेंड ₹3.20 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। कॉलगेट पाल्मोलिव ₹36 एक्स डिविडेंड है। ओब्रॉय रियलिटी ₹2 है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ₹10.80 है। कैना मेटल ₹30 है। शूला वाइनयार्ड ₹4.50, अवेंटल ₹20, शेषाशाही पेपर ₹5, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन बोनस शो कर रहा है तो कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है हटाते हैं इसे। हाई एनर्जी बैटरीज ₹3, पौनी शुगर ₹7। 24 मई की बात करें अगर तो वेदांता ₹11 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ₹7.75 एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। भारत डायनामिक्स स्प्लिट होने वाला है आपके लिए, 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पाएगा, एक के दो शेयर हो जाएंगे, स्टॉक का प्राइस ज्यादा रह जाएगा। आयनॉक्स विंड 3:1 के एक्स बोनस ट्रेड करेगा आपके लिए 24 मई को। ब्रूकफील्ड इंडिया ₹5 का डिविडेंड है। सोम डिस्टिलरीज स्प्लिट हो रहा है 5 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे। GM ब्रेवरीज बोनस है 1:4 यानी 4 शेयर के सामने 1 शेयर। एंड लास्ट क्यूगो फाइनेंस ₹15 का डिविडेंड है। तो ये सारे स्टॉक डिविडेंड बोनस ट्रेड करते हुए दिखेंगे। रिजल्ट्स के दम पर भी कल बहुत सारे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, लाइक IFGL रिफैक्ट्रीज के रिजल्ट्स आए हैं, आस्क ऑटोमोटिव, कैमकॉन केमिकल, अनुरस रसायन, गेल यानी कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट वाला GAEL वाला, सिरका,
विमता लैब्स, प्रिसिशन वायर्स, पटेल इंजीनियरिंग, जैन इरीगेशन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगे आपको। तो इनके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपके लिए दिन के दौरान बनाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।